अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कराते रहें और खुशियाँ बखेरते रहें। जी व्यूअर्स, आज आपके लिए एक मेकअप लाई हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेकअप होने वाला है कि लुक चेंज हो जाएगी एकदम से आप देखेंगे तो। और बहुत ही प्यारी सी बच्ची है, टीनेज बच्ची है, उस पर किया है आप देखें। तो मेकअप हमारा स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, जब तक हम अपना मेकअप करते हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती चलूं कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें। जो न्यू हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, और जो पुराने हैं वो तो हमें सपोर्ट कर ही रहे हैं, उनकी सपोर्ट के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें लाइक शेयर करते ही रहते हैं। और जी, हम सबसे पहले अपना मेकअप का स्टार्टिंग जो है वो आईब्रो से करेंगे। आईब्रोज़ हम सेट कर रहे हैं, उसके बाद हम आई बेस लगाएंगे। जी, तो हमारा आई बेस हो गया है कंप्लीट, आप देख रहे हैं। हम उनको आई बेस लगा कर फिर हम ब्यूटी ब्लेंडर से उसको बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देंगे ताकि वो सब एक जैसा हो जाए, फिर उसके ऊपर हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। Thank you.
अच्छा, हमने जो शेड्स जो शेड इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ड्रेस के हिसाब से, इनका ड्रेस जो है वो ग्रीन है, बहुत ही प्यारा सा खिला सा कलर है जो मेहंदी के कलर के हिसाब से है। इनका मेकअप भी हम ऐसे ही कर रहे हैं क्योंकि मेहंदी में जैसे अब ब्राइड की जो सिस्टर्स या बहुत ही ज़्यादा करीबी फ्रेंड्स होती हैं उनका कुछ स्पेशल लुक होता है, हम वो देने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट भी ऐसे ही करेंगे कि लाइट ग्रीन पहले बेस सॉरी लाइट ग्रीन हम शेड लेंगे और आई के कॉर्नर पर हम डिपॉजिट कर रहे हैं उसको, और उसको हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। अच्छा, इनकी माशाल्लाह आईज़ जो है ना ज़रा बड़ी बड़ी हैं और राउंड है, राउंड आईज़ हैं इनकी, बहुत ही प्यारी आईज़ हैं माशाल्लाह से। तो इन पे जो हम कलर दे रहे हैं पहले डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन से फिर डार्क ग्रीन, और जो इनर पे हम दे रहे हैं वो गोल्डन दे रहे हैं, गोल्डन कलर देंगे इनके आईज़ पर इनर से आप देख सकते हैं, और ऊपर हम ग्रीन ही इनका शिमर लगा रहे हैं आई बोल पर। माशाल्लाह इनकी आंखें बहुत प्यारी लग रही थी मेकअप के बाद, और भी ज़्यादा प्यारी हो गई। Thank you.
अच्छा, हम जब सारे ये कलर्स लगा लेंगे तो उसके बाद हम एक और लाइट कलर लेंगे हल्का सा, और इन सब शेड्स के ऊपर हल्का हल्का ब्लेंडिंग कर देंगे ताकि वो सारे कलर जो हैं वो क्रीजेस कहीं ना दिखाई दे और वो सारा मिक्स हो जाए, ब्लेंड हो जाए। बस मकसद ये है कि जितना भी हम वर्क करते हैं इन शेड्स के साथ तो फिर उनको इस तरह से अलग अलग नहीं दिखना चाहिए। तो बस उसको हमने सेट कर लिया है। आईब्रोज़ की जो आईबोन है उसको भी हमने हाईलाइट कर लिए। अब हम लोअर लैश पे बेस लगा रहे हैं अच्छी तरीके से, जो आईज़ के अंडर आईज़ के एरियाज़ होता है उसको हम कवर कर रहे हैं कंसीलर के साथ। बहुत अच्छी तरीके से उस पर बेस सेट करेंगे और फिर उस पर भी नीचे आईज़ के नीचे भी बेस इसी तरह से बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे हम, और उसके बाद हम जो आईज़ के नीचे हमने शेड्स लगाने हैं वो हम सेट करेंगे। और हमने दो बेस लेके उनको मिक्स करके इनके पूरे फेस पे अप्लाई कर दिया है। अब हम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से इसको इनकी स्किन के ऊपर सेट कर देंगे। आप देख सकते हैं
अच्छा, उसके बेस लगाने के फौरन बाद हम कॉम्पैक्ट या फेस पाउडर जो भी आपके पास है, हम तो कॉम्पैक्ट लगा रहे हैं, सेट कर देते हैं ताकि वो फौरन से सेट हो जाए स्किन पर। अच्छा, इनकी लैश के नीचे भी हमने जो है वो लाइट ग्रीन कलर दिया है, जो कि कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। हम देखें आप माशाल्लाह से। और अब हम थोड़ा सा यहाँ हाईलाइट करेंगे इनके आईज़ को, इनर पर। अच्छा, हमने इनके वाइट काजल लगा दिया है और अब हम इनके जो है मस्कारा लगा रहे हैं। अच्छा व्यूवर्स, ये बताती जाऊँ कि जिनकी आईज़ बड़ी हो ना, और माशाल्लाह खिली खिली बड़ी आँख हो, तो आप उसमें वाइट काजल लगा दें तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। मगर इसके बकौल इसके कि किसी की आँखें छोटी हैं तो आप उसको ब्लैक काजल जो है ना सजेस्ट करें, वो ज़्यादा सूट करता है। वाइट काजल से जो छोटी आँख होती है वो और भी किसी किसी की सूट नहीं करती है, या फिर लगा के आप चेक कर लें। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि बाजू का चुभी आँख जिसकी होती है ना, चुभी एक छोटी स्वेल हुई हुई एक आँख होती है, तो उसके अंदर जो है ना ब्लैक काजल लगा लें तो ज़्यादा बेटर है। वाइट काजल से वो आँख और भी छोटी नज़र आती है।
अच्छा, अब इनके लैश लगा रहे हैं हम। इनकी आंखों के हिसाब से माशाल्लाह बड़ी आंखें हैं, तो फिर लैश भी थोड़ी सी हमने, थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी नहीं, थोड़ी सी इनके फेस के ऑरेंज के हिसाब से लगाई हैं। और अब हम इनका कंटूर कर रहे हैं। इनका नोज़ थोड़ा सा छोटा था तो उसको कंटूर करेंगे इंशाल्लाह। आप देखिएगा बहुत ही प्यारा लुक आने वाला है। अच्छा, ऐसे ही हम इनके जॉ लाइन कर रहे हैं। थोड़ा सा राउंड फेस था तो हम इनको थोड़ा सा स्लिम दिखाने के लिए, आप देख सकते हैं स्लाइड हमने इनकी ली है, एक राउंड होता है ना वो नहीं ली हमने, स्लाइड इनकी कंटूर की है ताकि फेस थोड़ा सा स्लिम दिखाई दे। आपने देखा कि हमने ब्रश की मदद से की है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है जो बिगनर हैं तो उनके लिए बहुत ईजी वे में हो सकता है, आप आराम से इसे कर सकते हैं कि कोई भी एक ब्रश लिया और उसको कट की तरह, जैसे कट क्रीज होती है ना, तो इसी तरीके से आप जो है कंटूर कर सकते हैं। आपने देखा, हमने आपको दिखाया कि इस तरीके से भी आप कंटूर कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर किसी का चौड़ा फॉरहेड है तो आप उसको भी कम दिखा सकते हैं, उस वो भी आप कंटूर के ज़रिए कर सकते हैं। और जॉ लाइन आप हमेशा ही आपको बताते रहते हैं, जॉ लाइन पर भी जो है हम कंटूर भी करेंगे तो वो भी ऐसे ही, आपको जो एरिया छुपाना है, हाइट करना है, उससे थोड़ा सा ऊपर आप कंटूर डार्क कलर का कर दें तो वो हाइट हो जाएगा आपका। अगर डबल चिन है तो आप वहाँ पे भी थोड़ा सा, इनके तो खैर नहीं है डबल चिन, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, अगर डबल चिन है तो आप उसको थोड़ा सा लगा दें तो फिर वो डबल चिन ख़त्म हो जाती है।
अच्छा, अगेन मैं बता रही हूँ कि पहले भी काफ़ी दफ़ा बताती रहती हूँ कि ब्लशन जो है बहुत अच्छे तरीके से लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें जो हैं मैटर करती हैं, साथ साथ आप अच्छे तरीके से प्रॉपर करते आएँ तो आपका मेकअप का लुक ही चेंज हो जाता है। आप देखिए हमने इन पर बहुत ही लाइट कलर, देख रही होंगी आप जी, आप देख रही होंगी कि हम प्लेटर हाथ में उठाए हुए हैं और कौन सा कलर हम उनके लगा रहे हैं। बिल्कुल लाइट कलर से हम इनकी जो है कंटूर सारी कवर कर रहे हैं। सिर्फ ब्लशन नहीं लगाना होता है, जो मैं हमेशा ही आप लोगों को बताती रहती हूँ कि जो कंटूर आप करते हैं उसको भी थोड़ा सा हाइड करने के लिए इस तरह के कलर आप ले सकते हैं। अब हम बिल्कुल बेबी पिंक जो है वह ब्लशन, देखें शिमर वाला, शाइन वाला हम इनके अप्लाई कर रहे हैं ब्रश की मदद से, थोड़ा सा नोज़ एरिया पे, अपर लिप्स पर और फॉरहेड पर और चिन पर भी लगा दी। देखें आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से आप लगाएं, बहुत 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 ही अच्छी कंटूर जो है वो कवर हो जाती है। अच्छा, लास्ट में जो है ना फिर हाइलाइटर बहुत किस्म के आते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स के आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वाइट से हाइलाइटर करें, स्किन कलर के भी हाइलाइटर आते हैं, पिंक कलर के भी आते हैं। ये हम गोल्डन वाला लगा रहे हैं, इनको इनकी स्किन के साथ मैच कर रहा है। जो देखिए जो जो जगह हमें हाइड करनी है हम वहाँ ब्रश की मदद से वहाँ पर लगा रहे हैं। अच्छा, अब हम इनके बस फाइनल होने वाला है, लाइनर लगा रहे हैं, इनका लाइनर कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद हम इनकी लिपस्टिक कंप्लीट करेंगे। ब्रश की मदद से हम पहले आउटलाइन कर लेंगे, उसके बाद हम इनकी लिपस्टिक की फिलिंग करेंगे।
बहुत ही लाइट पिंक इनको लिपस्टिक देंगे हम, क्योंकि टीन एज बच्ची है, इनकी रिक्वायरमेंट यही थी कि हमारा जो मेकअप है वो सॉफ्ट होना चाहिए, बड़ा बड़ा लुक नहीं दिखना चाहिए। एज जितनी हमारी है उस हिसाब से हमारा मेकअप किया जाए, तो हमने उसी को मद्देनज़र रखते हुए सारा मेकअप किया है। और देखिए हम लिपस्टिक माशाल्लाह से, इनके लिए जो लिपस्टिक चूज़ की है वो भी बहुत ही प्यारा सा कलर है, इंग्लिश कलर कहते हैं इसको, अच्छा सा कलर है जो बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। हमेशा अगर थोड़ी सी आंखों का मेकअप अगर थोड़ा सा डार्क हो तो फिर लिपस्टिक हमेशा लाइट रखनी चाहिए, बहुत प्यारी लगती है। ऊपर से हम इनको शाइनर भी लगा रहे हैं, लिप शाइनर, ताकि अच्छा लगे।
जी व्यूवर्स, माशाल्लाह से ऑलमोस्ट हमारा मेकअप तो हो गया है डन। आप फुल लुक देख सकते हैं हेयर स्टाइल विद ज्वेलरी के साथ, हमारी मॉडल बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे रिक्वेस्ट करूँगी फुल वीडियो वॉच किया करें और हमें लाइक शेयर ज़रूर करें। जाते जाते आप लोगों से कहूँगी दुआ में याद रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।